आज बटेश्वर में हमारे क्षेत्र की धरोहर गेंदालाल दीक्षित की स्मृति के लिए उनके पैतृक स्थान पर जीर्णोद्वार के लिए एक आवश्यक बैठक मंदिर परिसर में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्रीमती मनोज दीक्षित ने, बैठक का संचालन विजेंद्र परासर ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष श्रीमती मनोज दीक्षित ने कहा कि स्वर्गीय क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित हमारे क्षेत्र की धरोहर है, जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, हमारे क्षेत्र का मान बढ़ाया। लेकिन आप लोग चाहते है कि उनके पैतृक मकान पर एक मूर्ति की स्थापना और पार्क का निर्माण कराया जाए। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि सबसे बड़ी शर्म की बात है कि अटल जी और गेंदालाल दीक्षित हमारे क्षेत्र की धरोहर है, लेकिन आज तक इनके नाम पर कोई कार्य नहीं किया गया। अटल जी के नाम से आने वाला विद्यालय अभयपुरा स्थानांतरित कर दिया। बैठक में सर्व श्री विजेंद्र परासर, रामविलास, राम नरेश, सरिता दुबे, ओम प्रकाश दुबे, बबलू यादव, शिव प्रकाश दुबे, मुन्ना लाल, राजेश गणपति, रामवली, लक्ष्मी राजेश आदि लोग मौजूद रहे। हाँ चाची, आज क्या प्रोग्राम है आपका? आज बटेश्वर में हमारे ये जो ऐतिहासिक स्थल है, सभी तीर्थों के जो भानेज कहे जाते हैं, ऐसे बटेश्वर में, और वो भी हमारे यहाँ महान विभूतियाँ जिन्होंने इस देश को, देश पर बलिदान हुए हैं, अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे गेंदालाल दीक्षित जी, जो इनकी पैतृक स्थान है यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, तो आज यहाँ जब आए हैं, इससे पहले जब जयंती थी हमारे गेंदालाल दीक्षित जी की, उस वक्त भी यहाँ के लोगों की एक बड़ी पीड़ा है कि ऐसी महान विभूति जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, ऐसे बलिदान पुरुष के लिए यहाँ कोई उनके स्थान नहीं है, उनकी जो जन्म स्थली है उसको भी एक वीरान जंगल जैसा बना दिया गया है। तो हमने यहाँ के सभी क्षेत्र के लोगों के, बटेश्वर के स्थानीय लोगों के साथ बैठकर विचार विमर्श किया है, और जो उनकी जन्म स्थली है वहाँ उनके नाम से उनका गेट के लिए जीर्णोद्वार की मांग की है क्षेत्र के लोगों ने, और बैठकर विचार विमर्श किया है उनके स्थान पर उनकी मूर्ति बनाई जाए, और उनके मूर्ति बनाकर अच्छा सा पार्किंग स्थल बनाकर उनके नाम से इस गेंदालाल दीक्षित जी की जन्म स्थली को हम बटेश्वर के सभी लोग मांग करते हैं कि सरकार तो सुनती नहीं है, सरकार तो अपने ही काम में मद है, गरीबों का खून चूस रही है, किसानों का खून चूस रही है, बेरोजगार को सड़क पर घुमा रही है, इसलिए उसको फुर्सत नहीं है गरीबों की तरफ, महापुरुषों के बारे में। लेकिन हम लोगों ने या क्षेत्र के लोगों ने, बटेश्वर के सभी स्थानीय लोगों ने ये दृढ़ निश्चय किया है कि हम आपस में ही एक दूसरे से सहयोग करके उनकी मूर्ति की स्थापना कराएंगे और उनके गेट का जीर्णोद्धार करवाएंगे। जो हमारी बहन जी ने कहा है उस कार्य के लिए हम भी उनके साथ पूरा फुल समर्थन करते हुए ये चाहेंगे कि गेंदालाल जी का कुछ न कुछ ना हो। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।